मेट्रोपॉलिटन शहर की वजह से जकार्ता के पड़ोसी इलाके भी कारोबार, उद्योग और पब्लिक सर्विस का सेंटर बन चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महानगर खचाखच भीड़ से भरा है और सड़कों पर गाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण वायु प्रदूषण यहाँ एक बड़ी समस्या है। वायु प्रदूषण को जानलेवा बनाने के लिए सिर्फ गाड़ियां ही जिम्मेदार नहीं है, औद्योगिक कचरा और मौसम भी हवा को गंदा करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। खतरा इतना बढ़ चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मैं घर के बाहर मास्क नहीं पहनूंगी तो सांस लेने में मुश्किल होगी। वायु प्रदूषण के मामले में जकार्ता एयर विजुअल क्वालिटी मॉनिटरिंग साइट में पहले नंबर पर भी आया। हालात इतने खराब हो गए कि क्लीन द यूनिवर्स नाम के संगठन ने जुलाई में सरकार पर मुकदमा तक कर दिया। परवाकिलान दारी मासयाराकात या यांग पेदुली तेरहादाप जो जनप्रतिनिधि जकार्ता वासियों के लिए अच्छे स्वस्थ पर्यावरण और स्वास्थ्य के अधिकार की चिंता करते हैं, उन्होंने पहल कर प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस मामले में हमने 7 पक्षों को प्रतिवादी बनाया है। मुकदमा झेलने वाले पक्षकारों में राष्ट्रपति, संबंधित मंत्रालय और कुछ गवर्नर हैं। उन पर जकार्ता वासियों के साफ हवा में सांस लेने के अधिकार की अनदेखी का आरोप है। हकीकत भी यही है कि इंडोनेशिया की राजधानी की हवा साल दर साल खराब हो रही है। जब हम इंडोनेशिया में खासतौर पर जकार्ता में वायु प्रदूषण की चर्चा करते हैं तो हम आसानी से हवा की गुणवत्ता जांच वाले कई निगरानी केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ जकार्ता में ही सरकार के 4 निगरानी केंद्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये PM2.5 पॉल्यूटेंट कंटेंट को मॉनिटर नहीं करते। जकार्ता का PM2.5 पॉल्यूटेंट कंटेंट हमने अमेरिकी दूतावास के एयर मॉनिटरिंग स्टेशन से डाउनलोड किया। US Embassy Monitoring Station, which is available in AirNow website. ये अब AirNow वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हमने देखा कि 2018 में हानिकारक वायु प्रदूषण के दिन 2017 की तुलना में दोगुने हो गए। इसकी पुष्टि 2018 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक मॉनिटरिंग सेंटर के डाटा से भी हुई। उससे भी PM2.5 कंटेंट का पता चलता है। 2018 में जकार्ता में 196 दिन हानिकारक थे और सिर्फ 34 दिन ही सेहत के लिए ठीक थे। वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से 2 तत्व होते हैं, गैसें और अतिसूक्ष्म कण। गैसों में एस्फिक्सिया तत्व होते हैं जो इंसानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर सकते हैं, और तकलीफ देने वाले तत्व श्वसन तंत्र में भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर का आकार अलग अलग होता है। आकार के हिसाब से ये ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र में दाखिल हो सकते हैं। ये रक्त प्रवाह के तंत्र में भी घुस सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर ini yang bisa masuk ke dalam saluran nafas itu ukurannya 10 माइक्रोन से छोटे कण जिन्हें PM10 कहा जाता है, वे फेफड़ों के आसपास मौजूद एयरवे तक पहुंच सकते हैं। इसमें भी छोटे 2.5 माइक्रोन वाले कण जिन्हें PM2.5 कहा जाता है, वे निचले श्वसन तंत्र और यहां तक कि रक्त प्रवाह तंत्र में भी दाखिल होकर पूरे शरीर में फैल सकते हैं। इन कणों के कारण आमतौर पर तकलीफ होती है और इनमें कई अति विषैले या नुकसानदेह तत्व भी होते हैं। dan di dalamnya juga banyak bahan-bahan yang bersifat toksik atau ये फ्री रेडिकल्स भी हैं, कुछ कार्सिनोजेनिक तत्व भी हैं जो कैंसर का खतरा पैदा करते हैं। Bahkan beberapa mempunyai sifat karsinogen atau menyebabkan risiko terjadinya kanker. वायु प्रदूषण से होने वाली कई बीमारियों से बचने के लिए एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है, यानी नियमित कसरत, पर्याप्त आराम और अच्छा खानपान। इसके साथ ही शहरी इलाकों में पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करना भी जरूरी है। पेड़ वायु प्रदूषण की गंभीरता को कम करने में मदद करते हैं। जकार्ता में पर्यावरण को लेकर चिंतित कई समुदाय वृक्षारोपण कर शहर की हवा को सुधारने में जुटे हैं। मैं अपने बच्चों को भी बुलाता हूँ ताकि वे पर्यावरण की चिंता करें। प्रदूषण के मामले में जकार्ता दुनिया में अक्सर शीर्ष पर रहता है। जब बच्चे पेड़ लगाने के लिए आते हैं तो वे धरती और शहर को
बचाने में भी हिस्सा लेते हैं। दला मिलामतकन भूमि ने दन पता ही। पर्यावरण रक्षा के बारे में इंसान को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए, तभी भविष्य की पीढ़ियां हरी भरी और साफ सुथरी धरती पर खुलकर सांस ले पाएंगी।